देख रहे हैं आपका चैनल कृष्णगढ़ कुठाड़ पंचायत के बशोलू नालका गांव में भारी वर्षा के चलते आंशिक बादल फटने के बाद चंडी कसौली व बरोटी वाला सुबाथू मार्ग अवरुद्ध होने के साथ साथ नालका निवासी रविंद्र कुमार के घर में भी मलबा जा घुसा। यह तो गनीमत रही कि समय रहते इस क्षेत्र के निवासियों को बादल फटने का एहसास हो गया और उन्होंने अपने बचाव के लिए मशक्कत शुरू कर दी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बादल फटने के स्थान पर जाकर पता चला कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें बीच में ही रुक गई हैं, नहीं तो ये चट्टानें तबाही ला सकती थीं, पर अभी भी लोगों के लिए यह खतरा बनी हुई हैं। ग्राम पंचायत प्रधान कैलाश शर्मा और उप प्रधान पुष्पेंद्र ने तुरंत जेसीबी मंगवा कर इस मलबे को हटवाने का काम शुरू करवा दिया ताकि जो मार्ग अवरुद्ध हुआ है वो बहाल किया जा सके। ग्राउंड जीरो से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की विशेष रिपोर्ट। थे जितना कोशिश हमने की तो फिर हम ये सोचा कि भाई अब ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बहुत हाइट पे जाके जो है आवाज़ हुई बहुत जोर की स्लिप आने की, फिर उसके कोई 10 मिनट बाद ये सारा आ गया, फिर हमारे बस से बाहर हो गया, हमें कुछ नहीं कर पाया, सारा जो मकान के ऊपर आ गया। तो रात को किसी विभाग को आपने संपर्क किया और कोई कुछ लोग आए आपकी मदद के लिए? हाँ जी, हर सर्विस को हमने बोला तो वो तो बेचारे पहले भी आए, बाद में जब ज़्यादा आया तब भी आए, उन्होंने काफ़ी मतलब आपको
सर आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ जो स्थिति बनी है ये क्या है, और आपने जो जायजा लिया मौके पर आकर, आपको क्या लगता है कि ये क्लाउड बस्ट है या मलबा आया होगा? किशनगढ़ पंचायत के अंतर्गत किशोर गांव में कल रात को जो भारी वर्षा हो रही है उसमें 10:30 बजे मलबा आना शुरू हुआ, तो हमें भी सूचित किया गया। तो हम लोग मौके पर जब आए तो देखा कि दो मकान मलबे से जल में आ रहे हैं, तो हमने प्रशासन को भी सूचित किया और प्रशासन से कांगो साहब भी आए हैं और जो बचाव कार्य वो चल रहा है। स्थानीय लोग और जो फायर चौकी किखाड़ के जो यहाँ पर इंचार्ज है और जितने यहाँ पर लोग हैं उन्होंने भी इस कार्य में बड़ी मदद की है, और ये दो मकान काफ़ी नुकसान हो सकता था इसका, लेकिन भगवान का शुक्र है कि अभी सब राहत का रह चुका है और मलबे को काम कर रहा है। बहुत बुरा क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, ऊपर से मतलब चौक से 1 किलोमीटर मलबा भी है, 2-3 चट्टाने बड़ी बुरी है वो, या तो क्या करें हम यहाँ। वो देखो देखो पार, वो देखो ये चट्टान भी आ सकती नीचे कोई होली, ये पानी है ना इसमें। हेलो नमस्कार जी,